वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है। जो इसका सिलेबस है वो एक बार देख लीजिए। जो इसका सिलेबस है वो बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसमें आपको प्यूरीन, पिरिमिडीन, बेसिस, आरएनए, डीएनए और जेनेटिक कोड और थोड़ा सा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का पार्ट है। मतलब 4 से 5 टॉपिक हैं बस, इन पे ही फोकस करता है ये पूरा चैप्टर। बहुत छोटा सा यूनिट है। अगर हम कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट से तो आपने देखा होगा मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं कार्बोहाइड्रेट की। मतलब अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो उस मुकाबले देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड बहुत छोटा है। जो आपने एनसीईआरटी या फिर 11th या 12th में 12th क्लास में बायो मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, जितना आपने वहाँ पढ़ा था वही काफ़ी है आपके इस सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। पहले तो मैं आपको इसका जनरल एक एस्पेक्ट बताता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं उनके जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का फेस, आईज, नोज मैच करती है अपने पेरेंट्स से, जैसे मम्मी से या पापा से। आपने घर में सुना भी होगा कि जो बच्चे की नोज़ है वो मदर से मैच कर रही है या फादर से मैच कर रही है, इस तरह के वर्ड्स आपने घर में सुने होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो डीएनए होता है वो सेम होता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए मौजूद होता है और वो एक जैसा होता है, मतलब वो सिमिलर होता है। ठीक है, अगर किसी एक फैमिली का दूसरी फैमिली के किसी बंदे से या पर्सन से अगर हम डीएनए मैच करेंगे तो वो मैच नहीं होगा। आपने ऐसा क्राइम्स जो सीरीज आती हैं, क्राइम पेट्रोल जैसे आता है, उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है कि पता लगाने के लिए कि ये इसका बच्चा है या नहीं है, या कोई भी और काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जिन्हें पता लगाने के लिए डीएनए का यूज़ किया जाता है। डीएनए का जो सैंपल है वो एक बाल से भी कलेक्ट किया जा सकता है। केवल एक जो हेयर होता है, हमारा एक हेयर अगर किसी को मिल जाए तो वो हमारे डीएनए का पता लगा सकता है। इवन हमारे स्किन के जरा से पार्ट से, हमारे स्किन का जरा सा पार्ट कहीं छूट जाए, कटने फिटने की वजह से हमारे स्किन का पार्ट कहीं गिर जाए, तो उसे उसके टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये पार्ट किस बॉडी से मैच करता है, अगर हमारे पास कई अलग अलग बॉडीज हैं तो। ठीक है, अच्छा, ये हेरिडिटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने सुना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में अगर सबके जो हेयर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं पर्टिकुलर एज के बाद, 30-40 की रेंज में बाल कई बार उड़ने लग जाते हैं, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन के भी बाल जनरली ऐसा होता है कि उड़ जाते हैं। ठीक है, बच्चे भी उस एज में जब पहुंचते हैं तो उनके बाल उड़ जाते हैं, तो उसे हेरिडिटी का ही कारण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं आरएनए। जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड में रहता है और जो आरएनए होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड में रहता है। इसके बारे में हम आगे चल के थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अच्छा, दो वर्ड्स हैं जो डेफिनेशंस हैं, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक बेस ग्रुप लगा हुआ है, एडिनिन जिसे हम कह रहे हैं, ये प्यूरिन बेस है। उसके बाद है एक शुगर, ये सेकेंड पार्ट है इसका, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट है ये फॉस्फेट ग्रुप, जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, वो यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है। ये कार्बन पी के बीच में एक ऑक्सीजन के साथ ये लिंक्ड है। एक दो चीज़ें और ध्यान रखने वाली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और यहाँ पे जो नंबरिंग है 1-2-3-4-5 है। यहाँ पे कई बार ऐसा इंटरव्यूज में या फिर ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछ लिया जाता है कि जो डीएनए है या फिर ये शुगर रिंग है, इसके अंदर जो नंबरिंग है वो 1-2 क्यों की गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि जो इसके साथ बेस अटैच्ड है उसमें ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग हो चुकी है। ठीक है, 9 तक नंबरिंग यहाँ हो चुकी है। अब क्योंकि ये अलग है, ये ग्रुप अलग है, लेकिन दोनों एक साथ अटैच है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग 9 के आगे 10, 11, 12 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक मॉलिक्यूल नहीं है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, बट दोनों ज्वाइंट हैं एक पर्टिकुलर बॉन्ड से। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग जो 1 से शुरू हुई है, 1 कर दिया गया है और इसको 2 कर दिया गया है, ताकि इन दोनों की नंबरिंग को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ठीक है, इसके आगे देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जिसमें ये बेसिक ग्रुप हो और ये शुगर ग्रुप हो। बेस बेस प्लस शुगर
कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियोसाइड, इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू एग्जाम में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये पूरा पिक्चर समझ में आ गया है तो क्वेश्चंस को भी पूछा जाए, आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा हमने अलग अलग पिक्चर करके बताया है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसमें बेस हमने स्मॉल कर मतलब एक स्ट्रक्चर ना बना के केवल लिख दिया है यहाँ पे कि बेस है, ऑर्गेनिक बेस यहाँ पे वही अटैच्ड है, 1'2'। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेकेंड नंबर पे ये है OH है, और यहाँ पे भी ये OH है, ये डी ऑक्सी वाले ग्रुप नहीं है। ठीक है, इस केस में भी डी ऑक्सी वाले नहीं है। तो अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो ये न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट ग्रुप अगर है तो ये न्यूक्लियोटाइड है। अब हम बेसिस के बारे में पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एडवाइस है बच्चों से कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से बना के पेपर पे बार बार बना के प्रैक्टिस करें, क्योंकि केवल देख के आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे नहीं याद कर पाएंगे। इसको कम से कम 15 15 20 20 बार इसको बनाइए स्ट्रक्चर्स को रफ पेपर में, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होंगे। प्यूरिन बेसिस सिर्फ दो होते हैं, एक होता है एडिनिन और जो है दूसरा होता है वो होता है ग्वानिन। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लगभग दोनों स्ट्रक्चर सेम है, केवल इसमें यहाँ पे NH2 है, इसमें यहाँ पे CO है, और यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं अटैच है जबकि यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये है ग्वानिन और ये है एडनिन। और पिरिमिडिन जो बेसिस होते हैं वो तीन होते हैं, एक साइटोसिन, थायमिन और यूरासिन। ठीक है, इनके बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जो थायमिन होता है वो DNA में प्रेजेंट होता है, और जो यूरासिन होता है वो RNA में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने DNA ओनली और RNA ओनली इसलिए लिखा है क्योंकि जो थायमिन है वो RNA का कभी भी पार्ट नहीं हो सकता, और जो यूरासिल है वो कभी भी DNA का पार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सुगर्स। सुगर्स कौन कौन से होते हैं? सुगर दो तरह के होते हैं, एक होता है डी राइबोस और एक होता है D2-deoxyribose। डी ऑक्सी का मतलब क्या होता है? डी ऑक्सी, डी मतलब इसमें से हटा दिया गया है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और टू इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड पोजीशन से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले आप राइबोस को देखिए, ये लेफ्ट में जो है वो राइबोस है, इसमें जो ये सेकंड पोजीशन है इस पे जो OH लगा है पिंक कलर का, ये इस राइट हैंड साइड वाली पिक्चर में नहीं है। ठीक है, OH को रिप्लेस कर दिया गया है H से, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन को हटा दिया है तो केवल हाइड्रोजन बचा है। तो ये है डी ऑक्सी राइबोस जो DNA में होता है और ये होता है RNA में। ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये आपको समझाने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को दिखाया जा रहा है। एडनिन ग्वानिन ये जो बाहर की तरफ बेसिस हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये इसका फॉस्फेट, इसको हम 5' इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिफ्थ कार्बन होता है ना, फिफ्थ कार्बन होता है इस शुगर का, इसलिए हम इसको 5' एंड बोलते हैं। और इसके 3 वाले कार्बन से दूसरे वाले मोएटी का फिफ्थ 5' वाला एंड जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं 5'-3', 5'-3', इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती रहती है और लास्ट में 3' एंड बचता है, मतलब एक और अगर मोइटी आ जाए तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगी अपने 5' वाले कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच है उससे यहाँ पे। ठीक है, और साइड में जो इसके बेसिस है वो चलते जा रहे हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस। इनमें हम इसके इंटरेक्शंस कैसे होते हैं एक बेस का दूसरे बेस से, वो हम आगे बात करेंगे वॉटसन क्रिक जब हम डिस्कस करेंगे तब। अब हम नोमेनक्लेचर में देख लेते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डी ऑक्सी है तो इसका सेकेंड कार्बन क्या होगा, इस पे OH नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऊपर एडिनिन है तो इसका नाम हो जाएगा डी ऑक्सी एडिनोसिन, अगर ये ग्वानिन है तो डी ऑक्सी गुआनोसाइन, अगर ये थायमिन है तो डी ऑक्सी थेमिडिन, और सिमिलरली डी ऑक्सी सिटिडिन। सिमिलरली राइबोन्यूक्लिक में क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा सारे में, सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट रहेगा। एडिनिन है तो एडिनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, यूरिडिन सिटिडिन। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर भी देके आपसे नाम पूछे जा सकते हैं कि पूरे का आपको नाम बताइए, तो आपको इसके नाम बताने के लिए बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे OH है कि नहीं है, जिससे ये पता चले कि ये राइबो में है या डीएनए वाला पार्ट है, और उसके बाद ये देखना है कि इस पर कौन सा बेस लगा है, अकॉर्डिंगली हम इसका नाम रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम इनके जो इसमें से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं,
एक तो ये कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक फाइव डैश एंड से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के इधर वाला जो बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। डाइस्टर तब होता है, हो जाता है जब दोनों तरफ ये रिंग जुड़ी, जैसा इस केस में है। ठीक है, पी के इधर ऑक्सीजन है, पी के उधर ऑक्सीजन है, दोनों साइड ऑक्सीजन है, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब रिंग जुड़ी हुई है। तो जो बॉन्ड है ये कहलाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इसके ब्रेक होने से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, ये अलग अलग तरह से हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या फिर हमने पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, बेसिस बीच में होते हैं जो स्टैक्ड होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये फिलहाल हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पे गिवन है, जो आपके लिए काम के हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो अपने पास, कि जो इसका टर्न होता है, जैसे ये इसका एक टर्न बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक टर्न बनता है, जो कि 3.4 नैनोमीटर का होता है, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में कहें तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो एक टर्न बनता है, इसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये बी डीएनए को हम डिस्कस कर रहे हैं। बी डीएनए जो कि राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ए डीएनए भी राइट हैंड होता है, और जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ बेस शुगर फॉस्फेट, तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनकी दो तीन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं लास्ट स्लाइड में नहीं बता पाया आपको। ये एक केमिकल एनर्जी कैरियर का काम करते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है जो काफी एनर्जी अपने साथ कैरी करते हैं, तो इसे केमिकल एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं। ये एक कंपोनेंट एंजाइम जो फैक्टर्स होते हैं उसका भी काम करते हैं, जिसमें एनएडी प्लस, जिसका नाम होता है निकोटीन अमाइड एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एफ ए डी फ्लेविन एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये एंजाइम के को फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, उनके रूप में भी ये काम करते हैं, और ये केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, ये डबल स्ट्रैंड हमने बनाया हुआ है, जो ये वाला स्ट्रेच है इसको ओपन अप करके दिखाया है। ठीक है, तो ये ग्वानिन है, ये इस वाले राइबोस शुगर से जुड़ा हुआ है, और जो ये साइटोसिन है ये इस वाले शुगर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 5'3' एंड है, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल रन करते हैं, दो स्ट्रैंड्स डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो जो जी होता है उसके बॉन्ड्स साइटोसिन के साथ बनते हैं, और जो टी होता है जिसे थायमिन कहते हैं उसके बॉन्ड्स एडिनिन के साथ बनते हैं। ठीक है, एक शागा फ्यूल होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो ये होता है कि जो जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ सी से, और जो टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए से मैचअप करता है या फिर इंटरेक्शन करता है। ठीक है, शागा फ्यूल ये कहता है कि जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। ठीक है, क्योंकि जी किसी और से बॉन्डिंग करता ही नहीं है, तो जितने जी होंगे ये फिक्स हो जाता है कि उतने ही सी होंगे, तब ये दोनों बीच में इक्वल बॉन्डिंग्स रहेंगी पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, जेम्स वॉटसन था जिसने इस स्ट्रक्चर को डीकोड किया था। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। नेक्स्ट है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये प्रपोज किया गया था, वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में अपने पहले रिसर्च पेपर जो डीएनए पे उन्होंने बताया था, उसमें ये बताया था कि इनके बीच में बॉन्डिंग किस तरह की हो सकती है। उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था जो अभी तक करेक्ट है। क्या होता है, दो दो चेन्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोयल टाइप में रहती हैं, और राइट हैंडेड डबल हेलिक्स बनाती हैं, और जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। जो बेस पेयर होते हैं वो अंदर होते हैं हेलिक्स के, और एक दूसरे के ऊपर स्टिक रहते हैं, स्टिक करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और शागाफ और बेस पेयर रूल को ये फॉलो करते हैं। ये था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक दूसरे को जो आसपास रखने का जो रीजन है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि लास्ट स्लाइड में आप देख लीजिए, जो ये बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों ही स्ट्रैंड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनमें जो बेसिस एक दूसरे से अटैच होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं। एडिनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के साथ। ये उस लास्ट टू लास्ट स्लाइड में भी आपको
दिखाया गया था, और यहाँ भी नीचे इन दोनों ही स्ट्रक्चर में ही दिखाया हुआ है। इसी की वजह से क्या होता है, ए इज इक्वल टू टी, यानी कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, डबल हेलिक्स की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम पढ़ चुके हैं, स्टैकिंग इंटरेक्शंस, जो स्टैकिंग इंटरेक्शंस होते हैं बेसिस के बीच में, जो स्टेक एक दूसरे को स्टैक करते हैं बेसिस बेस पेयर्स, आयनिक इंटरेक्शंस और हाइड्रेशन, ये कुछ तीन चार इंटरेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो डबल हेलिक्स को स्टेबल बनाए रखने में काम आते हैं। ठीक है, अब हम इनके कन्फर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे बी डीएनए है वो राइट हैंडेड होता है, ए डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, और जो जेड डीएनए होता है वो जिगजैग फॉर्म में होता है, जैसा कि देखिए एक रन ऐसे कर रहा है और एक रन ऐसे कर रहा है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, जो बी फॉर्म होता है वो तो वॉटसन क्रिक ने ऑलरेडी बताया हुआ है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ये प्रोडोमिनेंट होता है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ए फॉर्म भी राइट हैंडेड होता है, इसमें 11 बेस पेयर्स होते हैं, और जो जेड फॉर्म होता है इसमें 12 पेयर होते हैं। इसको जेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिगजैग मोशन में होता है। ठीक है, और अगर हेक्सिस हेलिक्स एक्सिस रोटेशन की बात करें तो ये मेजर ग्रुप, ये थ्रो बेस पेयर्स, और ये माइनर ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता फॉर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए वैसे। नेक्स्ट है सागा फ्रूल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन्स, या फिर हम कहें एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन्स और साइटोसिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्वानिन। बहुत छोटा सा रूल है ये। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं डीएनए के ऊपर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और सबके लिए यूनिक होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी होती है उसका डीएनए, हम पता लगा सकते हैं डीएनए से उसके बारे में काफ़ी कुछ। ठीक है, ये सभी सेल के लिए सेम होती है और ये चेंज नहीं की जा सकती, किसी भी ट्रीटमेंट करके इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ आता है, फोरेंसिक लेबोरेटरी में, जो कि क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पता लगाया जाता है। अच्छा, ये पैटर्निटी पता लगाने के लिए होता है, पेरेंट्स का बच्चे से रिलेशनशिप पता लगाने के लिए की यूज किया जाता है इसे, और डेड बॉडीज, जो एक्सीडेंट में डेड बॉडीज होती हैं उनके पेरेंट्स या बच्चे या फिर उनके रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे पता लगाया जा सकता है, और टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस, और भी काफ़ी सारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखिए, जो डीएनए होता है वो केमिकल बेसिस होता है हेरिडिटी का, और इसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, या फिर स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बोला जाता है। ठीक है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है आइडेंटिटी के लिए अलग अलग स्पीसीज के ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, हमारे परदादा से दादा में, दादा से हमारे पापा में, पापा से हम में, और हम से हमारे बच्चों में, ये जो एक पर्टिकुलर जीन्स है या फिर एक इन्फॉर्मेशन है या फिर आप ये कहें कोई एक आइडेंटिटी है जो चलती चली जा रही है, तो ये चलती रहेगी हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, हर जनरेशन में चलेगी, आप इसे स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, एक जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो अपना डुप्लीकेट बना लेता है सेल डिवीजन करते टाइम, अपना डुप्लीकेट बना लेता है, यानी कि एक सिमिलर स्ट्रैंड बनाई जा सकती है। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन सेल, बट मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो उन्हें मैसेज मिलता है सिंथेसिस के लिए वो डीएनए से ही मिलता है। ये हम अपनी सेकेंड और थर्ड लास्ट स्लाइड में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम थोड़ा सा आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, जनरली शॉर्ट होती है और सिंगल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये चार ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा सिंगल स्टैंड होती है, ये पॉलीमर होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि 3-5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस से अटैच रहती है। ये दो से तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है बेसिकली। मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए भी बोलते हैं, जो कि केवल 5-10% होते हैं। ट्रांसफर आरएनए, जो कि टीआरएनए कहलाता है, ये 10-20% होता है।
और जो थर्ड बचा राइबोसोमल आरएनए, वो 50 to 80% हो सकता है। ठीक है, एमआरएनए क्या करता है? ये करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ठीक है, और जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इट इज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ आरएनए, टिपिकली 50 to 80% न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ, दैट सर्व एज द फिजिकल लिंक बिटवीन द एमआरएनए एंड द अमीनो एसिड्स सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। बाय कैरिंग एन अमीनो एसिड टू द प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी ऑफ ए सेल, ये 10 से 20% तक हो सकता है। उसके बाद आता है आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है। ये प्राइमरी कंटेंट होता है, नॉन कोडिंग आरएनए का प्राइमरी कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। ठीक है, और ये सभी सेल के लिए जरूरी होता है, ये भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे भी वही बातें कुछ लिखी हुई है जो मैं अभी आपसे कह रहा था। द स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए रिजेंबल दैट ऑफ क्लोवर लीफ ऑफ फोर आर्म्स हेल्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। टी आर एन ए डिलीवर्स अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी सभी बातें मैंने लगभग आपको बता दी हैं। जो राइबोजाइम्स होते हैं, वर प्रोबेबली फंक्शनिंग एज कैटलिस्ट बिफोर द अकरेंस ऑफ प्रोटीन एंजाइम ड्यूरिंग इवोल्यूशन। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कि राइबोसोमल आरएनए होते हैं, जो इनका एग्जैक्ट फंक्शन है, वो अभी तक एग्जैक्टली नोन नहीं है। अच्छा, मेन फंक्शन क्या होता है आरएनए का? मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, ये है डीएनए, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जब भी अपने एक स्ट्रैंड को डुप्लीकेसी बनाता है। ठीक है, एक स्ट्रैंड, इसे हम कहेंगे आरएनए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड की तरफ जाए तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से, जो कि एमआरएनए बन जाता है, ये ट्रांसलेशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस। इस वाले स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि इस यहाँ से यहाँ के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, और या यहाँ से यहाँ के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, या फिर इससे जो बनता है उसका क्या नाम होता है, इससे जो बनता है उसका क्या नाम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भी अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि डीएनए पे सीक्वेंसेस, डीएनए के सीक्वेंसेस पे एक थ्री न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड नॉर्मली ऐसा कहते हैं। इसे ट्रिपलेट कोड्स और कोडोन भी कहा जाता है। और ये चार जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन चार इससे मिलके बने होते हैं बेसिस से, ए जी सी टी। टोटली 64 हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये चार हैं। ठीक है, अगर हम इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें तो 4 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा 4 × 4 × 4। ठीक है, तो ये टोटल हो सकते हैं 64। 64 ये टोटल हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ए यू जी यू ए या फिर ए जी ए, इस तरह से तीन तीन बेस पेयर्स के ये कोड्स होते हैं। आउट ऑफ 64 तीन जो है स्टॉप कोडोन होते हैं और एक होता है स्टार्टिंग कोडोन। स्टॉप कोडोन का मतलब होता है जो जीन के एंड में प्रेजेंट रहते हैं, और स्टार्टिंग कोडोन का मतलब होता है जो जीन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहते हैं। स्टार्टिंग कोडोन सिर्फ एक होता है एयूजी, जिसे आप अगस्त, जो अगस्त का महीना होता है, उस तरह से आप याद करते हैं कि स्टार्ट यहीं से होता है, अगस्त से। और जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो तीन होते हैं, यू ए ए, यू जी ए और यू ए जी। तो इन दोनों को, एक को आप याद कर लीजिए यू ए ए, और ये जो दोनों हैं, आप यू तो पहला तीनों में कॉमन है, और इसमें यू जी ए और यू ए जी, यानी कि बस आपको सेकंड और थर्ड लेटर को एक्सचेंज करना है, तो ये बाकी दोनों भी बन जाएंगे, यू जी ए यू ए जी, ए और जी आपस में रिप्लेस कर दीजिए तो ये बन जाएंगे। तो स्टॉप कोडोन और स्टार्टिंग कोडोन के जो ये कोड्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीन चार कोड देके आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सा स्टार्टिंग कोडोन है। तो स्टार्टिंग कोडोन सिर्फ एक होता है, ये अगस्त का महीना आप याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। जो बाकी के 60 होते हैं, वो जो अमीनो एसिड्स होता है उसको रीड करने के काम आते हैं। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स, यानी कि जो ट्रिपलेट्स हैं वो और अमीनो एसिड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो इस स्लाइड में इतना ही। हम बहुत जल्दी प्रोटीन का चैप्टर लेकर आएंगे, जो कि शायद 2 या 3 पार्ट्स में बनेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।